नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्षत्रिय राजेंद्र सिंह नरूका राम राज्य मिशन के अध्यक्ष, वो ब्रजभूषण शरण सिंह से मिलने पहुँचे उनके आवास पर। साथ ही लगातार सोशल मीडिया पर वो उनका समर्थन कर रहे हैं। जो फिलहाल मामला चल रहा है पहलवान और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच में, और अपने राम राज्य मिशन का ब्रोशर लेकर वो वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने उसकी पुस्तिका ब्रजभूषण शरण सिंह को भेंट करी और उनसे मुलाकात करी। साथ ही जो उनके कई जो लोग वहाँ पर उनके साथ पहुँचे थे, सभी ने ब्रजभूषण शरण सिंह से मुलाकात करी। और कहीं ना कहीं लगातार पिछले काफ़ी दिनों से लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को समर्थन दे रहे हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह से अब तक आप ये मान सकते हैं, इस मामले को लेकर जब से वो दिल्ली पहुंचते हैं तो लोग लगातार उनसे हज़ारों की संख्या में मिलने आते हैं। तो कहीं ना कहीं पहलवानों के समर्थन में जिस तरीके से कई पार्टियां और बहुत सारे जो लोग हैं वहां पर रहते हैं, इसी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला धीरे धीरे, अभी इसमें जाँच हो रही है और जाँच में फिर क्या निकल कर आता है, क्योंकि पहलवान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि गिरफ्तारी हो। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, जांच में वो निर्दोष साबित होंगे। तो जिस तरीके से अब ये सारा मामला चल रहा है, इसमें बहुत सारी अपडेट्स डेली आ रही हैं। दोनों तरफ से बयान दर्ज हो चुके हैं, चाहे वो पहलवान हो चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो। दोनों ने जो पक्ष हैं अपने अपने जो बयान हैं दिल्ली पुलिस के समक्ष दर्ज करा दिए हैं। और अब इन बयानों के बेसिस पे और जो पुलिस जांच करेगी, जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए होंगे और कहीं ना कहीं जो फुटेज वगैरह होगी वो भी सारी दिल्ली पुलिस देख रही है और बड़े तेज़ स्तर पर जांच हो रही है, क्योंकि बयान दर्ज हो चुके हैं दोनों तरफ से। अब इसमें क्या निकल कर आता है, जाँच लगातार जारी है। कमेटी बन चुकी है चुनाव के लिए, रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव होने वाले आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि कार्यकाल पूरा हो चुका है और जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक वो अध्यक्ष रहेंगे। ऐसा ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कहा है कि जब नए अध्यक्ष आएंगे तब उन्हें वो सारा कार्यभार हैंड ओवर करेंगे। इस बारे में कोई और अपडेट आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। जय हिंद।